तो की हाल चाल सतरेकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात किए। जी हां गाइस, आप लोग ने ये चीज नोटिस किया ही होगा कि जब भी कुछ बड़ा कंट्रोवर्सी होता है यूट्यूब कम्युनिटी में, तब लोग कैरी मिनाटी के पास जाकर जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इस कॉन्ट्रोवर्सी पर अपना ओपिनियन दो, रोस्ट करो इनको। वेल, यही चीज के बारे में बात करते हुए कैरी मिनाटी आज ये ट्वीट किए, लोग मुझे कॉन्ट्रोवर्सीज में टैग करते रहते हैं जिसमें कि मेरा कुछ लेना देना भी नहीं है। इट्स लाइक बीइंग दैट इंट्रोवर्ट फ्रेंड जो कि खड़ा रहता है ऑकवर्डली एवरी आर्ग्यूमेंट। मेरे को समझ नहीं आता है मैं इधर क्यों हूं, बट अपेरेंटली माई प्रेजेंस इज नीडेड। तो यहाँ चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले जेट प्रभजोत एंड यू के 07 राइडर के बारे में। तो क्या जेट प्रभजोत यू के 07 राइडर को थोड़ा सा पोक कर दिए? वेल, रिसेंटली यू के 07 राइडर व्लॉग अपलोड करके बताए थे कि वो नया फॉर्च्यूनर खरीदे। जेट प्रभजोत कल अपने व्लॉग में एक ऐसा चीज बोले जिसको लेकर लोग पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि शायद वो यू के 07 राइडर को यहाँ पर थोड़ा ट्रोल किए। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला था। ऐसी गाड़ी लिए धुआं धुआं तो होना ही चाहिए था, लोग बोलते रहे कि भाई ने ले ली। सुना फॉर्च्यूनर में सनरूफ नहीं होता, इसमें है, इस बात की पूछी है। ये अनुराग भाई पता नहीं किसको कह रहे थे कि फॉर्च्यूनर में छत नहीं खुलती है, सनरूफ नहीं होती है। किसने लिया फॉर्च्यूनर? मेरे पास तो नहीं है। तुमने बेच दी ना अपनी? इन्होंने भी बेच दी, पता नहीं किसको बोल के चले गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं थगेश वर्सेस क्रेजी दीप के बारे में। तो क्रेजी दीप थगेश के ऊपर एक वीडियो लाने वाले हैं, बट उससे पहले उन्होंने थगेश को ये मैसेज दिया। बेसिकली रजत दलाल वाले कंट्रोवर्सी को लेकर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा सीन क्रिएट हो गया था, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, अगर आप नहीं जानते हो तो एक बार जाकर देख लेना। सो या, जब क्रेजी दीप अपने वीडियो में रिप्लाई दिए थे तो उन्होंने बोला था कि वो थगेश के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे जहां पर वो इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, बट वो वीडियो को लाने से पहले अपने स्टोरी में ये कहे। जब मैंने वो इंसिडेंट देखा रजत दलाल का, तो मेरी ड्यूटी लगी कि मेरे को ट्वीट करना चाहिए। मैंने जिनके वीडियोस देखे थे मैंने नाम लिए, मेरे को यार मैं मोरली गलत नहीं लगता, बट इन रिटर्न मेरे को क्या मिला है कि वीडियो के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि भाई आपने तो मेरे को मैसेज करे थे यार कि बढ़िया एकदम कंसेप्ट है, बढ़िया हाइप है, क्या बढ़िया कंटेस्टेंट बुलाए, चैट्स डिलीट मत करना, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। भाई स्क्रीनशॉट डाल दो, मैं चाहता हूं आप डाल दो, और वहां पे मेरे को ये बताओ कि मैंने किस जगह ये बोला है कि रजत दलाल परफेक्ट कंटेस्टेंट है। मेरी ट्वीट के अंदर थोड़ी ना लिखा है यार कि मैं डिलीट करो वीडियो, कहाँ लिखा है मैंने? आपने 3-4 यूट्यूबर्स को मिक्स करके पर ना मेरा खराब किया ना, मेरे को छोड़ के कोई दूसरे क्रिएटर की चैट दिखा दो जिसने आपको हर चीज पे अप्रिशिएट किया हो। सोशल नेशन वाला लफड़ा हुआ था तो मेन आईडी से जाके वहाँ पे गाली गुप्ते करके आया। फिर अगर चैट की बात करनी है तो ये भी दिखाओ ना कि तुम कितने सपोर्टिव थे, बट सिर्फ तेरे एक ट्वीट की वजह से मैं अपने वीडियो के अंदर तेरी चैट का जिक्र कर दूंगा। फिर ये भी बताओ ना भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगता अगर ये वीडियो के अंदर पोक आउट करने की जगह एक बार मेरे को कॉल या मैसेज कर दिए होते। बाय द वे टॉकिंग अबाउट थगेश, तो क्या उनका थगेश शो जल्द ही वापस आने वाला है? जी हां गाइस, लफड़ा सेंट्रल शो तो अभी उनके चैनल में चल ही रहा है, बट जब इसके एपिसोड्स खत्म हो जाएंगे क्या थगेश शो उसके बाद वापस आएगा? इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने अपने स्टोरी में ये कहा। व्हाट आई वांटेड टू से कि लफड़ा सेंट्रल के और एपिसोड्स जल्दी जल्दी आ सकते हैं अभी आने वाले टाइम में। एंड क्या है, वो एक और शो थोड़ा चलता था मेरा, ठीक ठाक चलता था, उस पर भी थोड़ा काम स्टार्ट करना है। ठीक ठाक चलता था वो, तुमने सोच रहा हो शायद वापस लाओ उसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान एंड टोनी कक्कर के बारे में। तो फुकरा इंसान एंड टोनी कक्कर का एक नया गाना आने वाला है। जी हां गाइस, कल फुकरा इंसान खुद ये पोस्ट करके बता दिए कि द वेट इज ओवर, 20th जून अभिषेक एक्स टोनी कक्कर। तो भाई जो लोग काफी टाइम से इनके प्रोजेक्ट के लिए वेट कर रहे थे, 20th जून को उनका इंतजार खत्म हो जाएगा। बट एक प्रोजेक्ट के लिए फैंस को अभी भी इंतजार करना होगा, वो है पुष्पा 2। पुष्पा 2 अनफॉर्चुनेटली हैज बीन पोस्टपोन्ड। प्रीवियसली टीम की तरफ से हम लोग को बताया गया था कि 15th अगस्त को ये रिलीज हो जाएगा, बट स्टार्टिंग से ही काफी डाउट थे कि क्या वो सही में अगस्त 15th को रिलीज कर पाएंगे, क्योंकि मई के आसपास तो इनका शूटिंग ही खत्म होगा, उसके बाद VFX वर्क बहुत कुछ करना होता है, तो ये लोग अगस्त 15th तक रिलीज कर पाएंगे? वेल, उनका डाउटफुल होना करेक्ट था, क्योंकि अब ऑफिशियली अल्लू अर्जुन पोस्ट करके बता दिए कि पुष्पा 2 6th December 2024 को रिलीज होगा। भाई साहब, अप्रोक्सीमेटली 4 महीना डिले हो गया यार, एंड फैंस थोड़े से डिसअपॉइंटेड तो है, बट स्टिल लोग ये प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट अल्लू अर्जुन, तो क्या उनका एंड एटली का जो प्रोजेक्ट आने वाला था वो कैंसिल हो गया है? बेसिकली अकॉर्डिंग टू सम इनसाइडर रिपोर्ट्स बताया जा रहा था कि अल्लू अर्जुन एंड एटली मिलकर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं, एंड वो एक बहुत ही बड़ा मूवी होने वाला है। अब अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि ये वाला प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। एक क्लोज सोर्स की तरफ से बताया गया कि दे वर डेफिनेटली इन टॉक्स, बट ये कोलैबोरेशन कभी फाइनलाइज हो ही नहीं पाया। उन लोग दोनों को एक दूसरे से
पर्सनल इश्यूज नहीं है ऑफ कोर्स, बट दोनों के प्रेफरेंसेस अलग है, तो शायद इसी चीज को लेकर ये प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया है। बट अब बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए एटलीस्ट शायद से सलमान खान को अप्रोच करने वाले हैं। एंड दिस कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग यार, सलमान खान एक्स एटली, एंड कुछ फैंस इसको भी सुनकर काफी एक्साइटेड हो गए। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले मूवी इनसाइड आउट 2 के बारे में। तो इनसाइड आउट 2 ने रिकॉर्ड सेट कर दिए। यहां गाइस रिसेंटली ये एनिमेटेड मूवी लॉन्च हुआ था एंड इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड सेट कर दिए। इनके ओपनिंग वीकेंड में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा अप्रोक्सीमेटली $295 million का, विच मेक्स इट द बिगेस्ट एनिमेटेड फिल्म ओपनिंग ऑफ ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड। एंड 2024 के बारे में भी बात कर लिया जाए तो ये बिगेस्ट ओपनिंग था फॉर अ मूवी। सो या तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड एक हार्ट ब्रेकिंग वीडियो के बारे में। जहां गाइस कल था यूपीएससी का एग्जाम एंड लाखों एस्पिरेंट्स जाकर अपना एग्जाम दिए थे, बट महाराष्ट्र से ये वाला स्टोरी आया कि अप्रोक्सीमेटली 50 स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए नहीं अपियर कर पाए क्योंकि वो सेंटर लेट पहुंचे थे। एंड उसके पीछे रीजन था गूगल मैप्स। अपेरेंटली गूगल मैप्स में गलत लोकेशन दिया हुआ था एंड गलत लोकेशन में लोग पहुंच गए। एंड यही लेट होने वाले इशू को लेकर एक स्टूडेंट एंड उनके पेरेंट्स का वीडियो वायरल जा रहा है, जहां पर एक स्टूडेंट को सेंटर में नहीं घुसने दिया गया था। एंड उसके बाद ये वाला आप क्लिप देख लो। एक साल गया बाबू हमारा, कोई बात नहीं, ना उम्र निकली जा रही। अरे सुन लो, तुम्हें श्राप लगेगा तुम्हें। पापा क्यों कर रहे हो ऐसे? अरे बाबू तो टूट ना ना ना, ऐसे मत कर तू ना। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक मदर एंड चाइल्ड के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस आसाम से वाला स्टोरी आ रहा है, जहाँ पर एलिजेडली एक मदर अपने 20 मंथ ओल्ड चाइल्ड को सिगरेट स्मोक करवाई एंड अल्कोहल भी ड्रिंक करवाई। जब ये इंसिडेंट के बारे में पुलिस को खबर किया गया तो पुलिस फटाक से घर में पहुंचे एंड चाइल्ड को रेस्क्यू किए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फिर उन दोनों को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में भेज दिया गया एंड एक्शन आगे लिया जाएगा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि एप्पल के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए। जहाँ गाइस यूके से वाला स्टोरी आ रहा है, जहाँ पर एक आदमी एप्पल को सू कर दिए क्योंकि उनके फोन से डिलीटेड मैसेजेस वापस रीअपियर कर गए एंड उनकी वाइफ ये मैसेजेस रीड कर दिए एंड उनसे डिवोर्स ले ली। बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि ये आदमी सेक्स वर्कर के साथ बात कर रहे थे मैसेजेस के थ्रू एंड वो आई मैसेजेस में ये टेक्स्ट को डिलीट कर दिए थे। बट एप्पल डिवाइसेस के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन रहता है उसके वजह से फैमिली आई मैक में भी उनकी वाइफ को ये मैसेजेस दिख गए। तो वही उन्होंने लीगल एक्शन लेते हुए कहा कि अगर आपको बताया जा रहा है कि मैसेज हैज बीन डिलीटेड तो ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि मैसेज डिलीट हो गया। ना उनकी वाइफ जब ये मैसेजेस देखी, बहुत लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ एंड इवेंचुअली उनका डिवोर्स हो गया, विच कॉस्टेड हिम $5 million। एंड इसीलिए अब वो आदमी एप्पल को सू कर दिया फॉर $5 million। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक फ्लाइट से शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस आपने ऐसे काफी सारे स्टोरी सुने होंगे जहां पर लोगों के फूड में फालतू फालतू चीजें आ जाते हैं एंड फिर वो लोग कंप्लेन करते हैं। ऐसा ही एक स्टोरी आ रहा है कि एक फ्लाइट के दौरान एक आदमी को अपने खाना में ब्लेड मिला। लाइक लिटरली ये पर्सन एलिगेशंस लगाए एयर इंडिया के अगेंस्ट। जब वो फ्लाइट में खाना खा रहे थे तब 2-3 seconds के लिए जब वो अपने खाना को चू किए थे उनको कुछ मेटल टाइप लगा एंड जब वो उसको अपने मुंह से निकाले तब वो तो देखे कि भाई ये तो ब्लेड है। अब इस चीज के लिए ऑफ कोर्स उनसे अपोलोजाइज किया गया, उनको नया खाना दिया गया, बट वो पर्सन बोले कि भाई इट्स वेरी डेंजरस कि एक फ्लाइट में ब्लेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली वो चीज मेरे टंग को काट सकता था, एंड थर्डली अगर ये बच्चा खा लेता तो। एलिजेडली एयर इंडिया उनको ऑफर भी किए थे एज कॉम्पेंसेशन ऑफ अ फ्री बिजनेस क्लास ट्रिप टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब एयर इंडिया के चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर ने ये चीज को एक्सेप्ट तो किया ही, एग्जैक्ट उन्होंने ब्लेड वर्ड नहीं यूज किया था बट उन्होंने बोला था कि मील में फॉरेन ऑब्जेक्ट मिला। एंड हम लोग जब इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किए तब हम लोग को पता चला कि वेजिटेबल प्रोसेसिंग मशीन का ये कुछ पार्ट था। तो अब हम लोग अपने सेफ्टी मेजर्स को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल JBMR मोहन राम ने कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स, देन मुफ्ती तारिक मकसूद ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 million सब्सक्राइबर्स, देन गेमर फ्लीट ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 million सब्सक्राइबर्स, देन म्यूज एशिया ने कंप्लीट कर चुके हैं 7 million सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली सैन आर्मी को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट अपना एक नया ड्रिंक कंपनी एंड एक नया गेम रिलीज करने वाले हैं? वेल अकॉर्डिंग टू सम लीक्ड कोड डॉक्यूमेंट्स ऐसा ट्रू है। बेसिकली करेंटली मिस्टर बीस्ट एंड जो कंपनी उनका मिस्टर बीस्ट बर्गर को मैनेज करते थे उन दोनों के बीच में लीगल फाइट चल रहा है। तो यही लीगल फाइट के दौरान कुछ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स ये चीज रिवील करके बताए कि मिस्टर बीस्ट का प्लान्स है टू एक्सपैंड हिज ब्रांड विद न्यू प्रोडक्ट्स।
एंड वो न्यू प्रोडक्ट्स हो सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बीस्ट बेवरेजेस जो कि एनी टाइप ऑफ ड्रिंक हो सकता है सोडा एनर्जी ड्रिंक या फिर स्पोर्ट्स ड्रिंक एंड दूसरा एक मोबाइल गेम जिसमें कि इन ऐप परचेसेस होंगे एंड उसमें भी मोनेटाइज्ड कंटेंट होगा। तो या तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।